जिद्दन में पार्टी तो इस्तीफा दिता है, 63 किसान उदो शहीद हो चुके सन। देखो मोदी जे रातों रात नोटबंदी लिया सकता है प्रधानमंत्री, होर कई एहो जे कानून लिया सकता है, पर ये कानूनों को रद्द नहीं कर सकता। किसान बैठे ने सिंधु बॉर्डर के उत्ते, एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे ने, इन्हां नूं राम मंदिर सोच रहे हैं इस वेले। भाजपा आगू प्रोफेसर घुम्मन ने भाजपा पार्टी तो अस्तीफा दे दिता। इस दौरान प्रोफेसर घुम्मन ने कहा कि भाजपा पंजाब दा माहौल खराब करना चाहती है। आरएसएस दे इशारे ते राम मंदिर दे नाम ते मोटा फंड इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि साडा अन्नदाता बॉर्डर ते जाना गुआ रहा है। भाजपा नु अलविदा कह के उन्हें कहा कि भाजपा का एजेंडा ही माहौल खराब करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहूं ता बिल रद्द कर सकते ने। उन्हें कहा कि मैं किसान की बेटी होने के नाते भाजपा तो अस्तीफा दे के किसानों नाल खड़न दा ऐलान करती हाँ। अज मेरे नाल मौजूद ने प्रोफेसर सवराज घुम्मन, जो बीजेपी पंजाब के बुलारे सन, उन्होंने भी पार्टी नूं अलविदा कह के किसानों के हक में डटन का फैसला कर लिया। तो तुसीं सिंघू बॉर्डर जां टिकरी बॉर्डर किसी बॉर्डर से किसानों की हिमायत लई जाण दा कोई विचार बना रहे हो? बिल्कुल, मैं विचार बना रही हाँ और मैं एक दो दिनों के अंदर प्लान भी कर रही हाँ। मेरा उन्होंने नाल आत्मक तौर के उत्ते, जज्बाती तौर के उत्ते मैं जुड़ी हुई हाँ, क्योंकि देखो ना एड्डी ठंड है, पो माघ की ठंड है, दसंबर जनवरी का महीना हो, जनवरी चढ़ गई है, धुंदा पै रही ने, कि दिल करता इन्नी ठंड के जाके बैठेगा? तुम उन्होंने बदनाम कर रहे हो, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो उत्थे बैठे हुए ने कि इन्हों ज़्यादा समझ है कि इन्होंने कानून बनाया? तुम बीजेपी पंजाब रहे हो मैडम, कोई थोड़ा लग्या है भी जो बीजेपी पंजाब के लीडर ने वह चाहते हैं कि बिल रद्द होने चाहिए ने, साड़ी बहुत बेइज्जती हो रही है, असी लोगों के घर नहीं जा सकते, गली चो नहीं निकल सकते, घरों बाहर नहीं निकल जाते, तो कितने ना कि उन्होंने सेंटर तो दबाव पै रहा, पर वह चाहते हैं कि बिल रद्द हो, है कि उन्होंने दिल च? देखो मेरा उन्होंने रबता नहीं होया, पर जो मैं महसूस कर रही हाँ, उन्होंने कुर्सियां प्यारियां ने, उन्होंने अहदे प्यारे ने, केंद्र की सरकार है, उन्होंने लगता है कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बीजेपी जित रही है, तो अपनी साख नहीं गवाना चाहते, अपन जमीर मार के बैठे हुए ने, उ बोलते हैं तोते की तरह जो उन्होंने केंद्र तो हुक्म होंगे बोलन का, उन्होंने अपन जबाना नहीं है, उन्होंने अपने जमीर मरे हुए ने। और एक गल होर मैं कहना चाहवागी कि जेडे साडे किसान भरा भैन बेटिया बेटे सारे उत्थे बैठे हुए ने, उन्हां कोल एहो जे बहुत सारे लोग ने जिन्हां नूं कानून की भी समझ है, जिन्हां नूं बिलां की भी समझ है, उन्होंने चंगे तरीके दे नाल कोख के परख के नतीजा कढ़िया है कि ये जिहड़े बिल ने किसानां दे हक च हैगे ही नहीं। तुसीं देखो मैं जट्टां दी कुड़ी हां, मैनूं पता है एक वाट पिछे तां भरा भरा नूं मार दिंदा, ते अपनियां जमीनां जिहड़ियां ने ओह किवें कारपोरेट घराणियां नूं ठेकियां ते दे सकदे ने? भी किसान नूं भी हुण रिटर्न भरनी पएगी इनकम टैक्स दी? बिल्कुल भरनी पएगी, क्योंकि स्पष्ट दे विच जिहड़ा कानून लिआंदा गया उहदे विच साफ शब्दां दे अंदर उस क्लॉज़ च लिखा गया है कि जिहड़ा किसान जाके किधरे भी अपनी फसल वेचेगा उहदे कोल पैन कार्ड ते आधार कार्ड होना चाहिए। जे पैन कार्ड ते आधार कार्ड हैगा इहदा मतलब सही साफ हैगा सिद्धा। पहला की हुंदा सी कि किसान मंडी दे विच चला गया, मतलब उहदा राबता सी एक पर्टिकुलर बंदे दे नाल, आड़ती नाल उहदा राबता हुंदा सी, जिहदे तों उहने पैसा भी उधार फड़िया होया हुंदा सी, उहनूं जाके अपनी फसल वेच दिंदा सी, उन्हों कोई लेखे जोखे नहीं सन करने पैंदे। मैं किसानों की धी हाँ, मैनू पता कोई रिटर्न नहीं सी भरनी पैंदी। हुण इन्हां ने नवा ड्रामा की शुरू किया होया है, राम मंदिर लई ऑलरेडी इन्हां कोल बहुत सारे फंड ने, मैं भी इन्हां दीआं मीटिंगां च जांदी सी। अजकल RSS दीआं मीटिंगां कादे लई चल रही ने कि जिन्हें भी BJP दे लीडर ने सड़कां ते उतरे हुए तुसीं भी देखिया होणा, झंडे लैके निकले हुए ने कि राम मंदिर बनावांगे ते राम मंदिर लई तुसीं फंड दिओ। किसान बैठे ने सिंधु बॉर्डर के उत्ते, एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे ने, ते इन्हां नूं राम मंदिर सोच रहे हैं इस वेले, कि इन्हां नूं इस वेले रोक नहीं देना चाहिए? क्योंकि पंजाबियों नूं इत्थे हिंदू ते सिख आपस में लड़ाउण की कोई हो रही है ना तकरीर, यही यही मनाया जा सकता है? BJP एक कट्टरवाद की पॉलिसी नूं लैके चल रही है। देखो जिहड़ा ये कट्टरवाद है, भावें किसी भी राजनीतिक पार्टी दे विच जदों कट्टरवाद आ जांदा है उदों भरा नूं भरा नाल लड़ाउण की गल आ जाती है। जिद्दन मैं पार्टी तो अस्तीफा दिता है, 63 किसान उदों शहीद हो चुके सन, तो मैं उन्होंने ये जवाब दिता, मैं कहा 63 किसान
शहीद हो चुके ने, मेरे तो होर इंतजार नहीं हुंदी। देखो मोदी जे रातों रात नोटबंदी लिया सकता है, प्रधानमंत्री होर कई एहो जे कानून लिया सकता है, तो कि यह कानूनों रद्द नहीं कर सकता। और इन्हें पार्लीमेंट का जोड़ा विंटर सैशन है, इन्हें क्यों कैंसल किया करोना का ना लैके, जो इन इलैक्शन होंदिया ने, जो इन रैलीज होंदिया ने, उदों तो करोना नहीं आता, तो जो किसानों का मुद्दा आ गया उदो विंटर सैशन रद्द हो जाता। तुम बीजेपी आगू पार्टी छड़ चुके हो, पर फिर भी तुम बीजेपी के लीडर चाहे सेंटर के चाहे पंजाब के आ, उन्होंने की सुनेहा देना चाहते हो? मैं बीजेपी के लीडर यही सुनेहा देंगी कि देखो जे तुसी पंजाब दे नेता हो, तुसी पंजाब दे विच रह रहे हो, और जेड़ी धरती ते असी रहने हां, जेड़े लोकां तों असी वोट लै रहे हां, वह साढ़े वोटर ने, वह लोग ने, वह अन्नदाते ने जेड़े सानू रोटी भी दे रहे ने, सानू वोटां भी दे रहे ने, जे तुसी उन्हां दे सके नहीं बन सकते ते कल नूं तुसी किहड़े मूंह नाल उन्हां तों वोटां मंगण वास्ते जाओगे। जे पंजाब दे बीजेपी दे सारे नेता भुख हड़ताल ते बह जांदे, जाके मोदी साहब के नाल गल करते कि साढ़े पंजाब के हालात बिगड़ रहे हैं, मोदी जी हथ बन के बेनती है कि जड़ा ये एक्ट है इसनों रिपील कर दियो, कि मोदी जी ना सुनते? पर मैनू लगता है कि पंजाब के नेता जाके मोदी जी के नाल मीटिंग्स करके उही गल करते हैं जो मोदी जी सुनना चाहते हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी लई गुरमुख सिंह रुपाणा की रिपोर्ट।